सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ फंक्शनल ग्रुप्स। कल हमने आइसोमर्स कंप्लीट किया। सबको आइडिया आइसोमर्स क्या होते हैं, राइट? आज हम फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे और उसके बाद नोमेनक्लेचर के लिए वी विल बी रेडी। कंप्लीट नोमेनक्लेचर हम समझ सकते हैं। ऑलमोस्ट नोमेनक्लेचर हमने कर लिया है, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल ग्रुप एंड आइसोमर्स, नोमेनक्लेचर के ऊपर हम कंप्लीट फोकस कर सकते हैं और फिर हर एक यू नो टाइप ऑफ होमोलोगस सीरीज, मतलब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिटेल में समझ सकते हैं विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर बेसिक्स ऑफ टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेसिक्स उसको भी हम लोग समझेंगे। सो एज यू सी ओवर हियर, there are six functional groups. मैंने कल तुम्हें बताया था functional group क्या होता है। If you remember, I told you about alkyl. Alkyl का formula है single bond CH3. Single bond में आगे जो space होती है, यहाँ पे एक functional group आता है। सो ये स्पेस में देयर कैन बी एनी ऑफ दीज सिक्स फंक्शनल ग्रुप्स। देयर कैन बी अ हैलाइड, देयर कैन बी अ हाइड्रोक्सिल, देयर कैन बी एन एल्डिहाइड और अ कार्बोक्सिल और अ कीटो और एन एथर। छह फंक्शनल ग्रुप्स है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैलाइड्स है, हाइड्रोक्सिल है और कार्बोक्सिल है। दैट्स इट। बट स्टिल एल्डिहाइड, कीटो और एथर को भी हम लोग समझ लेंगे। उनके प्रॉपर्टी और उनके केमिकल रिएक्शंस को हमें नहीं समझना है, बट विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर्स। सो ये जो सेकेंड कॉलम है, यहाँ पे तुम्हें उनके जनरल फॉर्मूला दिख रहे हैं। हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड X। ये जो R है, दिस R इज योर अल्काइल, दिस R इज योर अल्काइल। और ये सिंगल बॉन्ड के बाद जो X है, X इज योर हैलाइड। हैलाइड मतलब हैलोजन्स, हैलोजन्स मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोक्सिल या फिर अल्कोहल ग्रुप में R का मतलब अल्काइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड OH, अल्कोहल। एल्डिहाइड में इफ यू सी देर इज R ओवर हियर, मतलब एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये दोनों सिंगल बॉन्ड के साथ है। किसके साथ सिंगल बॉन्ड है? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ। सो इफ यू नोटिस, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों मिला के बनाते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप में आर की जगह आएगा अल्काइल और उसके साथ सी ओ ओ एच, ऐसा एक मॉलिक्यूल बनता है COOH। तुम्हें पता भी होगा कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, इथेनोइक एसिड, विनेगर, CH3COOH। तो उसमें जो ये COOH है, दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप विच इज कार्बोक्सिल, और साथ में लगा है R, R पे आएगा कोई भी एक अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटो। कीटो में यू विल गेट आर ओवर हियर एंड आर डैश ओवर हियर। आर एंड आर डैश, दे बोथ आर टू यूनिक अल्काइल्स, दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट, एंड बीच में है सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं कीटो, कीटोन ग्रुप। उसके बाद है एथर। एथर में इफ यू सी देर इज ऑक्सीजन इन मिडल और ऑक्सीजन से दो सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं, लेफ्ट साइड में आर है और राइट साइड में आर डैश, दैट इज अल्काइल एंड अल्काइल अगेन। तो आई वुड
टेल यू टू नॉट वरी अबाउट एल्डिहाइड, कीटो एंड एथर्स, बिकॉज इनके ऊपर ना तो तुम्हें नोमेनक्लेचर में कुछ पूछेंगे, ना कोई इसकी प्रॉपर्टीज हमें जाननी है। बट गलती से अगर नोमेनक्लेचर आ गया तो तुम्हें नेमिंग करना तो आना चाहिए। इसके लिए हम नोमेनक्लेचर तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। सो विल टेक ईच फंक्शनल ग्रुप एंड विल क्रिएट अ टेबल लाइक वी डिड अर्लियर फॉर होमोलोगस सीरीज अल्केन अल्कीन अल्काइन। ठीक है, हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग ये टेबल बनाएंगे। टेबल कंप्लीट तुम्हें करना है, मैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट बनाऊंगा उसका। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का जो फॉर्मूला है दैट इज आर सिंगल बॉन्ड एक्स। यहां पे एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन एनी ऑर्डर, एनी वन ऑफ देम। ओके, एक्स कोई भी एक होगा इनमें से, सारे नहीं हो सकते। या तो क्लोरीन, या तो फ्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन, कोई भी एक। एंड आर विल बी, आर क्या होगा? अल्काइल। आर विल बी अल्काइल। हेलो अल्केन्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ हेलो अल्केन्स। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आर की जगह पे सबसे पहला अल्काइल का मेंबर डालूंगा। सबसे पहला मेंबर कौन है अल्काइल का? मिथाइल। तो आई विल राइट सी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहां पे आएगा एच एच एच, करेक्ट। आर कंप्लीट हो गया, मिथाइल आ गया, और यहां पे कोई भी एक हेलोजन, कोई भी एक मैं क्लोरीन डाल दूंगा। ठीक है, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। H3CCl, सिंगल बॉन्ड Cl, H3C या CH3Cl भी लिख सकते हो, H3CCl। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CH3Cl विदाउट एनी लाइंस और एनीथिंग। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्या आता है? आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले हम लिखेंगे मेथ। क्यों? क्योंकि सिंगल कार्बन है। फिर मैं लिखूंगा आयल, क्योंकि अल्काइल से बिलोंग करता है, और आगे मैं लिखूंगा क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन है इसके साथ। इसका एक कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा। मोनोक्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन। मोनोक्लोरो क्यों? एक ही क्लोरीन है। मेथ क्योंकि एक कार्बन है, और एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड। मोनोक्लोरोमीथेन,
आगे क्या आएगा? मोनोक्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड, फिर मोनोक्लोरो प्रोपेन या फिर प्रोपाइल क्लोराइड एंड सो ऑन। तो ये पूरा, इससे तुम इसका टेबल कंप्लीट कर सकते हो, पूरी सीरीज, होमोलोगस सीरीज इसकी, हेलो अल्केन्स की बना सकते हो। अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन हुआ तो, या फिर मिथाइल फ्लोराइड या फिर मोनोफ्लोरोमीथेन, फ्लोरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आयोडो, आयोडो, आयोडीन की जगह आईओडीओ, आयोडो हम यूज करते हैं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हेलो अल्केन्स का। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। सो आर सिंगल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा सी ओ एच, यहां पे एच, यहां पे एच, यहां पे एच, कंडेंस स्ट्रक्चर होगा एच थ्री सी ओ एच, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सी एच थ्री ओ एच, आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपीएसी नेम बता सकता है कोई? मिथान ऑल, क्योंकि इसमें याद रखो ये हेलो अल्केन्स में एक सफिक्स लगता है, कौन सा सफिक्स लगता है, क्लोरो या फिर फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। बट अल्कोहल्स में अल्कोहल्स में एक सफिक्स लगता है और वो सफिक्स है ओल, मिथान ओल, मिथानॉल। इसका एक कॉमन नेम भी है, ये तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल। इसके और दो मेंबर लिखो इसके नीचे अल्कोहल के, सिर्फ दो इसके बाद वाले। मैं
बताता हूँ, उसमें ये है क्या वन नोट? मैं इसका क्या नाम है?
लिखा आगे। सो मेथनॉल के बाद क्या है? इथेनॉल के बाद एंड सो ऑन अप टू 6 हेक्सानॉल तक तुम्हें कंप्लीट करना है आगे। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल। अल्कोहल के बाद है आई विल डायरेक्टली गो टू, चल एल्डिहाइड कर लेते हैं। एल्डिहाइड कर लेते हैं, आया था ना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड कर लेते हैं ना, फिर एल्डिहाइड कर लेते हैं। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड उसका कॉमन नेम। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो फॉर्म है दैट इज आर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, और इसमें सफिक्स लगता है एल, सफिक्स में एल आता है। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसका जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज सी एच ओ सिंगल बॉन्ड। अब तुम बोलोगे कि सर यहां पे सिंगल बॉन्ड के पहले तो आर होता है, आर मतलब पहला मेंबर ऑफ अल्काइल, मतलब सी एच थ्री होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है कि इसमें पहला मेंबर सी एच थ्री नहीं होता, इसमें पहला मेंबर होता है एच, एच सी एच ओ, एच सी एच ओ, क्योंकि सी तो ऑलरेडी एक है हमारे पास, सी एच ओ के अंदर ऑलरेडी एक सी है, मतलब इसमें सिर्फ एच सी एच ओ आएगा। ये इसका इसका मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता के दिखा के दिखाता हूं। यहां पे स्ट्रक्चर इसका होगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ओके सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और यहां पे होता है आर, लेकिन तुम्हें आर नहीं लिखना है, तुम्हें आर की जगह लिखना है एच, एच सी एच ओ। मतलब जनरली ये जो पोजीशन है ना, यहां पे कौन आएगा? अल्काइल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये सी एच ओ दिख रहा है तुम्हें, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, और यहां पे कौन आएगा? मैंने क्या बताया? अल्काइल आएगा, मतलब इसके बाद एच के बाद जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें आएगा सी एच थ्री। यहां पे एच आया है, इसके बाद सी एच थ्री आएगा। ओके, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है एच सी एच ओ, एच सी एच ओ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एच सी एच ओ। मेनी पीपल माइट थिंक के व्हाई नॉट सी एच टू ओ, इसको कोई कोई लोग सी एच टू ओ भी बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। एक्यूरेट ये है, क्योंकि एक तुम्हें लॉजिक बताता हूं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? सो यू राइट सी एच थ्री सेपरेटली, सी ओ ओ एच सेपरेटली, यू डोंट मिक्स देम, यू डोंट ऐड देम, ऑल्दो देयर इज सी एंड एच इन सी एच थ्री एज वेल एंड सी ओ ओ एच एज वेल, यू डोंट ऐड देम।
बिकॉज यू नो दैट दिस इज योर अल्काइल एंड दिस इज फंक्शनल, डोंट ऐड. ठीक है, तो यहाँ भी सी एच एच सी एच ओ लिखते हैं, इसका आई यू पी एस सी नेम. अब मुझे बताओ पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं? मिथान, मिथान आल, मिथनाल, मिथान आल, एल किसके लिए? एल्डिहाइड का एल, मिथान आल, मिथनाल. ठीक है, ये इसका आई यू पी एस सी नेम है. और इसका कॉमन नेम है इसका कॉमन नेम क्या है? देखते गूगल वर्क कर रहा है कि कॉमन नेम ऑफ मेथनॉल. मेथनॉल बोला बे गधे. कॉमन नेम ऑफ मेथनॉल तू डेस्कटॉप पे कर दे, हम लोग बाद में, मैं तेरे को लोकेशन बताऊं. डेस्कटॉप पे कर सकती है. एच सी एच ओ राइट. फॉर्मल डेहाइड, फॉर्मल थोड़ा फॉर्मल है, फॉर्मल डेहाइड, फॉर्मल डेहाइड, फॉर्मल डेहाइड, फॉर्मल डेहाइड, ये इसका कॉमन नेम है. ओके, सेकंड जो इसका मेंबर है ये बता देता हूं मैं अभी, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है इसमें. इसमें भी तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच होगा, लेकिन यहां पे कौन होगा? सी, और फिर यहां पे एच, और यहां पे एच, और यहां पे एच. कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये दिख रहा है तुम्हें क्या है? मिथाइल. पहले कौन था? एच. अब आ गया सी एच थ्री, उसके बाद कौन आएगा? सी टू एच फाइव एंड सो ऑन. हाँ, इथाइल आएगा उसके बाद. ठीक है, सो इसका हाँ यस यू आर राइट. सही सही है. मैंने कहाँ लिखा? कुछ लिखा तो नहीं. लिखूं? अच्छा, मैं नहीं लिखूं. लिखना है कि नहीं लिखना? नहीं. हाँ तो इसमें भी दो है, दो है तो एथ आएगा. मैंने मना थोड़ी किया. तू सुन तो ले, सुन ले, बता दू. अच्छा, तो यहां पे आएगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ओ. पहले एच था, एच किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? सी एच थ्री में. अभी सी एच थ्री आगे सी टू एच फाइव बन सकता है, तुम्हें पता है. अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सी एच थ्री सी एच ओ, और इसका आई यू पी एस सी नेम है एथ आन आल, एथानाल. आया कि नहीं? एथ नहीं, क्या? अरे कंफ्यूजन क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो भाई? सॉरी, सी एच थ्री मिथाइल होता है, लेकिन हम जब इसका नेमिंग करते हैं ये फंक्शनल ग्रुप का, पर्टिकुलरली एल्डिहाइड का. अब ये जो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना आई यू पी एस सी, उसमें बहुत लोग ये सब सिर फोड़ते रहते हैं रोज कि क्या नाम देना, क्या नाम देना. तो उन्होंने डिसाइड किया एक दिन कि देख यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे एक सी है, दो सी है, तो एथ रख देते हैं वन फाइन डे. अब ये है रूल है, ये रूल बताना, मेरा काम रूल बताना है, मेरा काम रीजन बताना नहीं है. उनको एक दिन ऐसा फील हुआ, उन्होंने किया, और मैं ये तुम्हें बता रहा हूं. आई एम द मीडियम, डोंट किल द मैसेंजर. ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड.
डिहाइड्रेशन हो जाएगा तुमको सब नाम सुनते सुनते। कृष, अनुष्का, भार्गव, प्लीज ऑन योर कैम। ये भार्गव क्यों नहीं आ रहा है? तुमने कुछ किया है ना उसके साथ? कुछ किया है? कुछ को कुछ तो किसने किया है? या तो उसने कुछ किया है। नीलकंठ में पैसे देना हिसाब बाकी है क्या उसका? हाँ, उधार चल रहा है क्या उसका नीलकंठ विलकंठ में? तो प्रॉब्लम क्या, डर क्यों रहा है? भार्गव तू आ क्यों नहीं रहा यार? अरे शर्मा मत, बोल दे। हाँ बोल ना। सर मैं भूल गया था क्लास है, 5 मिनट पहले याद आ रहा है कि ऑफलाइन क्लास था, तो फिर सबसे ऑनलाइन कर लूंगा। वाह वाह, वो है ना, वो एक मीम है ना, अचानक से वो आता है, वो वाह 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 क्या है यार, वो ही करने का मन कर रहा है मेरे को भी। या तो फिर ऐसा कुछ, बेटे मौज कर दी बेटे, या तो फिर जज्बात बदल दिए, क्या बोल रहे हैं, वक्त बदल दिए, आना यार, क्या बोले 5 मिनट पहले याद आ रहे, क्या कुआस यार। मैं सुबह से ऐसा वेट करता हूँ, क्या आज मेरे बच्चे दिखेंगे मुझे क्लास में, और तू कैम भी ऑफ रख रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड आगे बना सकते हो तुम, CH3 की जगह C2H5 डालो, C2H5CHO, उसका नाम होगा प्रोपानॉल। प्रोपानॉल का कॉमन नेम नहीं पता, ठीक है, नहीं पता नहीं है अपने को, पता लगा सकते हो तुम, मैंने बोला है तुम्हें ये टास्क तुम्हारा है कॉमन नेम वाला, क्योंकि वो कॉमन नेम तो भाई कुछ और ही लॉजिक है। हाँ मतलब देख, कॉमन नेम कौन बनाता है पता मेरे को, हु मेक्स द कॉमन नेम, कॉमन पीपल। हेक्सेन 6th लेवल का होमोलोगस गैस है, 6th लेवल का, वहां तक कॉमन पीपल पहुंचे ही नहीं है, कॉमन पीपल सिर्फ मैथ तक खुश है, उनको आगे कुछ पता नहीं है, ठीक है। सो उनको पता नहीं हो सब, तो हेक्सेन ही रह गया उसका, लेकिन ये सब है, आगे आएगा और आएगा, मजेदार चीजें आएगी आगे, रुको तो। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड COOH। R सिंगल बॉन्ड COOH, इसमें एक सफिक्स लगता है जब तुम IUPAC नेमिंग देते हो, OIC एसिड, OIC एसिड, ठीक है, ऐसे नाम याद रखना यार, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, वैसे मेरी मेमोरी बहुत ही बेकार है, so I need some props. Okay, इसका first member, यहां भी एक थोड़ा सा catch है, इसका जो first member है वो है HCOOH, मतलब जहां पे R है, R की जगह पे हमने क्या डाल दिया है, सिर्फ H, क्योंकि एक सी तो है ऑलरेडी, तो एच आ सकता है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड है ना वो, तो दे सकते हैं तुम सिंगल बॉन्ड दे सकते हो, बट वो इट्स अ रेडिकल, हाइड्रोक्सिल रेडिकल है ना, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना उसको, OH की वैलेंसी क्या होती है, OH1-, उसको साथ में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, O अलग H अलग लिखोगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा वैसे। HCOOH, इसका जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है वो है HCOOH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCOOH,
ठीक है, और क्या बच्चा? आईयूपीएसी नेम बताओ, आईयूपीएसी नेम में क्या आएगा? मेथ ऑन, मेथान, ओआईसी एसिड, ओआईसी एसिड, मेथानोइक एसिड. सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम. एंड इसका कॉमन नेम है एक, कॉमन नेम. अरे बहुत अच्छा, हाँ 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 याद आया. और तुम्हें पता होगा ये, तुमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा है, फॉर्मिक एसिड किस में होता है? एंट में होता है ना, बी स्टिंग में होता है. ये वही है, वहीं से आए. बताओ इसके बाद कौन आएगा, सेकंड वाला मेंबर कौन होगा? CH3, मतलब C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, H, यहां पे आएगा CH3, COOH, CH3, COOH, और इसका नाम है इथान OIC एसिड, इथानोइक एसिड. ठीक है, एग्जैक्टली, एसेटिक एसिड. इसके बाद तुम स्ट्रक्चर तो बना सकते हो, नाम, इसका फॉर्मूला क्या होगा इसके बाद वाले मेंबर का? क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, इसका नाम जो है ना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है. हाँ, प्रोपान आएगा, ओआईसी आएगा, एसिड आएगा, प्रोपानोइक एसिड. और इसका कॉमन नेम क्या है पता है? प्रोपियोनिक एसिड. प्रोपानोइक एसिड तो कॉमन नेम में, कॉमन लोग ऐसे जैसे कंपटीशन में बैठे हुए हैं. अच्छा तू बनाएगा प्रोपानोइक, प्रोपियोनिक बना दूंगा, आई को इधर से उधर डाल के कॉमन. मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, कंपटीशन किस बात की? इनको कोई फर्क ही नहीं है क्यों? वो लोग ने उसको भी, मतलब जैसे एक कार्बन बॉन्ड है उसके साथ और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन का, और फिर वहां पे CH3 CH2 COOH, C2H5 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स द सेम थिंग. प्रोपियोनिक डजंट मेक सेंस, कॉमन नेम्स. ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया. इसके बाद आते हैं दो टॉर्चर ग्रुप, कीटोन और एथर्स. इनका ना कोई ऐसा पर्टिकुलर सीरीज नहीं है, इनके नेमिंग तुम समझो, इनका कोई सीरीज नहीं बना सकते क्योंकि इनमें वेरिएशंस है. क्योंकि तुम्हें दिख रहा है एक सेंटर में एक स्ट्रक्चर है सी और ओ वाला, केटो में, और लेफ्ट में भी जगह है खाली, राइट में भी जगह है. वहां पे कोई भी हाँ एच भी हो सकते हैं, नहीं एच नहीं हो सकते, आई एम सॉरी, CH3 से ही शुरू होता है यहाँ पे कंपलसरी, CH3 से नीचे कुछ नहीं हो सकता. तो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, राइट साइड में CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो यहाँ पे बहुत सारे आइसोमर्स बनते हैं अलग अलग टाइप के, बट ये सब कीटो ग्रुप में आते हैं. कीटो ग्रुप का खासियत ये है कि इसमें कीटो ग्रुप बीच में क्या होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन,
लेफ्ट में क्या होगा अल्काइल, राइट में क्या होगा और एक अल्काइल, दोनों सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, और इसमें सफिक्स लगेगा, एक सफिक्स क्या लगेगा, ओन, वन नहीं बोलते उसको, ओन, अब देखो इसका फर्स्ट मेंबर मेरे हिसाब से सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे है सी, यहां पे है सी, यहां पे आएगा एच एच एच, यहां पे भी तीन एच सिंगल बॉन्ड में, मतलब सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। अब इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा यार कि लिखते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैसे ही लिखते हैं ना, लाइन नहीं बनानी है बस। ओके सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। अच्छा मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, तीन, मतलब प्रोप प्रोपान प्रोपान ओन प्रोपान ओन, दिस इज प्रोपान ओन दिस इज प्रोपान ओन। अब डिपेंड करता है कि तुम नेक्स्ट में क्या लिखोगे, यहां पे डाई मिथाइल कीटोन दिया हुआ है, नहीं दिया नहीं हुआ है तो मत, हाँ तो हो सकता है डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। मैंने तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, आपके टेबल में समथिंग नीचे कॉमन है, हाँ गया, चलो अच्छा देख लेते हैं। डाई इथाइल कीटोन प्रोपानोन एसीटोन, क्या होता है एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर कुछ ऐसा दिखता है। हू न्यू एसीटोन। ठीक है ये हो गया कीटो ग्रुप, और भी तुम बना सकते हो इसमें, बट इसकी सीक्वेंसिंग में मत पड़ो, इट कैन बी एनीथिंग। कीटो के बाद कौन था लास्ट, एथर, एथर ग्रुप। और क्या है एथर की खासियत, अच्छा ऑक्सीजन में ऐसे डबल बॉन्ड है और यहां पे R और यहां पे R डैश, ऐसा ही है ये, तो इसका भी पहला मेंबर कुछ ऐसा होगा सी ओ सी, यहां पे एच थ्री, यहां पे एच थ्री, दैट इज सी एच थ्री ओ सी एच थ्री। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंडेंस फॉर्मूला, क्या नाम होगा इसका, इसको अच्छा सी एच थ्री ओ सी एच थ्री डाई मेथाइल एथर। इसका कुछ सफिक्स या कुछ दिया है क्या, मिथॉक्सी, ये तो कॉमन है, हाँ क्या डाई मेथाइल एथर, अच्छा सो मतलब इसमें एंड में एथर लगाना है, नहीं सर मिथॉक्सी किसने बोला तुमको, हाँ लिखा है मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन। ओके ओके अभी समझा क्या है इसका, तो यहां पे सबसे पहले देखो यहां ये कौन है, हु इज दिस, मेथ मिथाइल है बेसिक, मेथ के बाद आएगा सफिक्स ऑक्सी, और ये क्या है
मेथ मेथाइल है बट सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन मेथॉक्सी मीथेन, या फिर डाई मेथाइल एथर, डाई मेथाइल एथर। सारे हो गए, फंक्शनल ग्रुप भी हो गए। अब तुम ये वाला क्वेश्चन जो बोल रहे थे वो कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस है ऐसे, जैसे 16, हाँ 16 था। ये देखो 16, डिफाइन अ फंक्शनल ग्रुप एंड गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अभी लिखा, अभी लिखा, अभी लिखा, ये हो जाएगा। इसके बाद राइट द आर वाला लिखना, आर वाला, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का पूछ रहे हैं, किसी मेंबर का नहीं पूछ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप नहीं, डिफाइन अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ हाइड्रोकार्बन विच मेक्स अ सिंगल बॉन्ड और विच कंबाइंस विथ अ कौन सा था ये, हाँ, अल्काइल ग्रुप विथ अ सिंगल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड में कंबाइन करता है, ठीक है, एंड इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ ही वो हाइड्रोकार्बन का एक्सटेंशन है। डेरिवेटिव का मतलब सारे हाइड्रोकार्बन के साथ ही वो बनाता है फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेम एंड फॉर्मूला फॉर द फोर्थ मेंबर। अल्कोहल का फोर्थ मेंबर कौन सा है? श्योर, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इंटेक्स नंबर, हाँ तो तुम स्किप, अच्छा तुम वहां पे कर लेना, करेक्ट, ठीक है। अल्कोहल का फोर्थ मेंबर कौन सा है? ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C4H9OH, C4H9OH, एक कम करना है ना हाइड्रोजन, लंगड़ा त्यागी, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। सो C4H10 तो था हमारे पास, फिर एक हाइड्रोजन कम हो गया, उसकी जगह OH आ गया, तो C4H9OH, ब्यूटेनॉल। विच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइंस फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? हाँ क्या लिखा है? गुड गुड गुड। नेम द अल्काइल रेडिकल एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, बताओ। अल्काइल ग्रुप कौन सा है? अल्काइल है मिथाइल, अल्काइल, सुनो अलग अलग पूछा है। अल्काइल रेडिकल क्या है? CH3 मतलब मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH मतलब अल्कोहल। यहाँ पे C2H5 एंड अल्कोहल, यहाँ पे C3H7 प्रोपाइल एंड एल्डिहाइड CHO, C4H9 ब्यूटाइल एंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ CH3 मिथाइल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे लिखेंगे? अल्काइल रेडिकल, मिथाइल तो नहीं लिख सकते, मिथाइल नहीं, एच ही लिख सकते हैं, एच ही लिख सकते हैं, CHO, HCHO, हाइड्रोक्सिल नहीं, हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है CHO।
ठीक है। वॉट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी एच टू, इट डिफर्स बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सी एच टू। जैसे देखो ना ये वाला, मेरे पास है एक सी एच फोर और उसके नेक्स्ट एडजेसेंट में है सी टू एच सिक्स। सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सी एच टू। सो एनी टू होमोलॉग्स, एडजेसेंट होमोलॉग्स डिफर बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सी एच टू। बी है इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, इट डिफर्स बाय वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। टू एडजेसेंट होमोलॉग्स डिफर बाय वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर जो ऑलरेडी हमें काफी आइडिया है। कुछ रूल्स है, मैं सारे रूल रीड करूंगा तुम्हारे लिए, जितने भी रूल्स है सब रीड कर रहा हूं, और जहां पे हमें लगेगा कि ये नया रूल है हमने नहीं पढ़ा उसको मैं समझाऊंगा, और जो हमें पता है कि हमने ऑलरेडी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। देखो चेन वाले रूल हमने सारे डिस्कस किए, ब्रांच वाले है ना, कब किए थे? जब हमने आइसोमर्स किया था। आज फंक्शनल ग्रुप वाला भी पढ़ लिया, सफिक्स कब लगाना है कैसे लगाना है। बट अब सब कुछ मिक्स होने वाला है, मिक्स होने वाला है इसका मतलब नाउ देयर विल बी आई एम सॉरी आई रिमेम्बर्ड समथिंग नाउ देयर विल बी ब्रांचेस एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप्स, दोनों एक साथ। तो किसका नाम, किसको प्रेफरेंस मिलेगा देखते हैं। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन्स, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स नोन एज पैरेंट चेन इज सिलेक्टेड। द लॉन्गेस्ट चेन नीड नॉट बी स्ट्रेट। मैंने उस दिन बताया था तुम्हें ऑल ऑफ द अबव वाला एक पूछा था मैंने, पता है मैंने बोला था चेन ऐसी भी हो सकती है, चेन स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होना जरूरी है, और उसको हम क्या नाम देते हैं? पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन से हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन, उससे हमें क्या मिलेगा? रूट वर्ड। जैसे अगर लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन है पांच कार्बन वाली, तो रूट वर्ड क्या होगा? पेंट। वहां से रूट वर्ड मिल गया, मतलब नेमिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। नेमिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा ये वाला देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है यार, तुम्हें लगेगा लॉन्गेस्ट चेन में से पांच है, पांच नहीं है, सेवन है, सेवन कार्बन, क्योंकि तुम देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा नाम गलत हो जाएगा तुम्हारा। थर्ड पे दो कार्बन की ब्रांच निकली हुई है, राइट? सो मतलब इसका नाम कैसे दूंगा मैं, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम कैसे दूंगा? ओके, तो तुम बोल रहे हो हेप्ट, सॉरी हेप्ट मैं मानता हूं, हेप्ट मैंने माना, ठीक है। सफिक्स क्या होगा? एन, सिंगल बॉन्ड है सारे। प्रीफिक्स क्या होगा? थ्री, यहां पे क्या है? थ्री, वेरी गुड, थ्री इथाइल हेप्टेन। क्यों हेप्टेन क्यों आया पता चला? सेवन कार्बन की पैरेंट चेन, हेप्ट सारे सिंगल बॉन्ड, एन थर्ड पे ब्रांच, थ्री थर्ड पे कौन सी ब्रांच है, कौन सा अल्काइल ग्रुप बैठा हुआ है थर्ड पे? इथाइल। क्यों इथाइल? क्योंकि दो कार्बन है, मतलब सी टू एच फाइव अगर काउंट करोगे तो थ्री इथाइल हेप्टेन।
The branch chains are considered to be substituents and their positions are indicated by the number of carbon atoms to which they are attached. ये भी हमने किया हुआ है ना ब्रांच वाला, इसका नाम क्या है? 2-methyl. Perfect, very good. Why not 1-2-3-4-methyl pentane? Because branch gets the smallest number while numbering में branch को smallest number मिलता है. देखो समझ में आ रहा है क्या? ये तो ऐसे ही बैठा है. Do I need to look in your eyes like this always and teach you? Like I'll ignore them. तो क्यों बोलते हैं इसको 2-methyl pentane? अभी नेक्स्ट से करता हूँ, थोड़ा एक्टिंग गलत हो गया. अभी नेक्स्ट से अच्छे से करता हूँ. The carbon atoms of the longest chain are numbered in such a way that alkyl group's substituent gets the smallest possible number. ये तो अभी बोला था, है कि नहीं? Alkyl group को सबसे छोटा number मिलना चाहिए. तो first वाला right है, second वाला wrong है. अभी वही तो पढ़ा हमने. Alkyl group मतलब branch जहां पे निकल रही है उसको smallest number देना है. In case, pay attention, this is game changer. This is something where we need to differentiate. अगर ये यहां पे ये आ गया, अगर गलती से भी और तुमने नाम अलग दे दिया तो सब गलत हो जाएगा. In case any functional group is also present in the chain, then the carbon atoms are numbered in such a way that the functional group gets the smallest possible number. मतलब अगर ब्रांच निकली है, ब्रांच में अल्काइल ग्रुप है और दूसरी ब्रांच निकली है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को. मतलब यू विल डू द नंबरिंग इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोअर नंबर. नाउ ब्रांच इज नो मोर द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज द फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो देखो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? पैरेंट चेन. पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5. रूट वर्ड पेंट. ओके, सारे सिंगल बॉन्ड है. सफिक्स एन, पेंट एन. ओके, ब्रांच कहां कहां निकली है? 2 पे एक ब्रांच है, OH है वहां पे, और 4 पे एक ब्रांच है और मिथाइल है वहां पे. इसको मैं ऐसे भी तो नाम दे सकता हूं, मतलब नंबरिंग 2 पे मिथाइल और 4 पे OH. इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट वाला क्यों करेक्ट है? फंक्शनल ग्रुप OH है, उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए. मतलब फंक्शनल ग्रुप को नंबर 2 मिल गया, वो करेक्ट है. तो इसका नाम कैसे हम लेंगे? देखो, मैंने एक चीज तो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, पेंटेन. लेकिन फंक्शनल ग्रुप आने से सफिक्स ऐड हो जाता है. एन के बाद सफिक्स और होगा ओल. ओल क्यों? क्योंकि अल्कोहल है, तो पेंटानोल हो जाएगा. लेकिन पेंटानोल में अल्कोहल की पोजीशन क्या है? तो पेंटान टू ओल. क्या लिखेंगे? ये पूरा सफिक्स बना दिया. पेंट समझ में आया तुमको? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ द पैरेंट हाइड्रोकार्बन. पेंट गलत, गलत. मिथेनॉल हो ही नहीं सकता ना. मेरे को बता कि क्या यहां पे है OH? इसके साथ है क्या OH? तो इसके साथ क्यों जोड़ रहा है तू? OH पूरे पैरेंट के साथ चेन में है. ठीक है, अगर वैसा होता तो क्या होता वो देखेंगे हम लोग. बट अभी देखो क्या है सिचुएशन. सिचुएशन अभी ये है कि पेंट है हमारे पास. पेंट एन मतलब पेंट के बाद ए एन भी लिख सकते हैं हम लोग. लेकिन जो पेंटेन में ए एन ई आता है, ई उसको हटाना पड़ेगा. उसकी जगह हम लोग डालेंगे ओल, पेंटानोल, क्योंकि अल्कोहल है. बट पेंटानोल में अल्कोहल की पोजीशन भी तो मेंशन करनी पड़ेगी. पेंटान टू ओल. सी दिस, पेंटान टू ओल. ये हो गया पूरा नाम. बट अब एक चीज बची है, प्रीफिक्स. प्रीफिक्स किसके लिए होता है? ब्रांच के लिए. ब्रांच में कौन है? अल्काइल. कौन सा अल्काइल है? मिथाइल. कौन से नंबर पे है? 4-methyl.
प्रीफिक्स 4-methyl-pentan-2-ol, 4-methyl-pentan-2-ol, समझा? ये देखो, तुम पूछ रहे थे ना, ये यहां पे अगर OH आ गया तो क्या करेंगे? OH कहां पे निकला है? ब्रांच के फंक्शनल ग्रुप में OH है। अच्छा, अब नंबरिंग कैसे दिया है मैंने? देख, ब्रांच को वन लिया है, लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग ऐसे लेते तो वन, सुना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे लेते तो क्यों? वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। ये नंबरिंग गलत है दोनों केस में, क्यों पता है? किसको प्रेफरेंस मिलता है नंबरिंग में? लॉन्गेस्ट चेन, तुम्हें पैरेंट चेन भी, पैरेंट चेन का जो नंबरिंग है ना, वो भी वो ध्यान में रखते हुए बनाना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो ये भी गलत है, और ये अगर कोई सोच रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों केस में फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर मिल रहा है? तो अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या और कोई तरीका है जिससे फंक्शनल ग्रुप को और छोटा नंबर मिल सकता है? यस, देर इज अ वे, देर इज अ वे। सो वॉट इज दैट वे? दैट इज द वे विथ विच दे हैव डन इट, वन टू थ्री फोर फाइव। वाई नॉट, वाई नॉट वन टू थ्री? बिकॉज वी हैव टू कंसिडर द लॉन्गेस्ट चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ गए? फाइव आ गए। फाइव पे मुझे बताओ ब्रांचेस कहां कहां पे है? वन पे और टू पे। वन पे भी तो है ब्रांच। वन पे कौन सी ब्रांच है? ओएच की। और टू पे कौन सी ब्रांच है? ये टू की ब्रांच यहां पे है, सी टू एच फाइव की, इथाइल की। तो मतलब इसका नाम क्या होगा? टू इथाइल पेंटान वन ओल, टू इथाइल पेंटान वन ओल। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफ दे आर अटैच्ड टू अ चेन, दे आर अरेंज्ड एंड नेम्ड अल्फाबेटिकली। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल, कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे ब्रोमो है और यहां पे क्लोरो है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं दोनों? हैलोजेंस, हैलाइड्स, करेक्ट, हैलाइड्स। तो अब दोनों फंक्शनल ग्रुप, तो अब नेमिंग कैसे करेंगे यार? अब फंक्शनल ग्रुप का नाम देखो, अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आता है या क्लोरो, तो ब्रोमो को लोअर नंबर देना है, मतलब नंबरिंग ये करेक्ट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। रूट वर्ड बताओ, हेक्स एन, अच्छा प्रीफिक्स बताओ, टू ब्रोमो फोर क्लोरो हेक्सेन, समझा? सिक्स्थ, द पोजिशंस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजिशन एंड नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये तो पता है अपने को, तो पता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग हियर? सबसे पहले वो लोग ने लॉन्गेस्ट चेन बना दी, विच इज दिस, राइट? हेप्ट है, एन है, ब्रांच कहां पे निकली है? थ्री पे कौन क्या बैठा हुआ है? थ्री इथाइल हेप्टेन, डन। तो पता है अपने को, मल्टीपल अल्काइल ग्रुप्स आर लेबल्ड विद ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस सच एज डाई फॉर टू, ट्राई फॉर थ्री, टेट्रा फॉर फोर, पेंटा फॉर फाइव एंड सो ऑन। इफ टू अल्काइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम कार्बन एटम, द न्यूमरल इज रिपीटेड। ये पता है ना अपने को? एक मिनट, एक मिनट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताओ।
वन टू थ्री फोर, रूट वर्ड बताओ, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सारे एन, ब्यूटेन, ब्रांच कहाँ पे निकली हुई है, कितनी ब्रांच है, 2.2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, पता है अपने को, कैसे पता चला ये, बाय स्टडिंग आइसोमर्स, आइसोमर्स से पता चल गया ये अपने को, ठीक है। तो ये 7 रूल थे तुम्हारे, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिद्धि सिद्धि दिस इज लाइक पीस ऑफ केक, ask 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 your sister organic chemistry के rules, she will tell you ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, इतने rules हैं। so you are lucky in a way that इसको enjoy कर लो अभी, ठीक है। अच्छा तुम्हारे लिए वो लोग ने कुछ examples दिए हैं, and there are a total of 18 examples which you have to go through बिफोर यू स्टार्ट दी एक्सरसाइज। हाँ जो भी है 17-18 तुम्हारी बुक में, उसके बाद है, उसके बाद है, सुनो सुनो, उसके बाद है, सुनो मेरी बात, उसके बाद है राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC नेम, मतलब अगर तुम्हें सीधा नेम दे दिया है तो तुम स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। हाँ ये भी आया था एग्जाम में, वेरी नाइस। फॉर एग्जाम्पल सुनो मेरी बात, अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे एक नाम दिख रहा है तुम्हें बॉटम ऑफ स्क्रीन पे, 2-bromo-4-methyl-pent-2-ene, इसको बना सकते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा सबसे पहले क्या बनाऊ, 1, 2, 3, 4, 5, अब क्या बनाऊ, डबल बॉन्ड कहां पे बनाऊंगा, देख 1, 2, 3, 4, 5 कहां पे, यहां पे डबल बॉन्ड, वेरी गुड, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड, चलो स्केलेटल स्ट्रक्चर रेडी हो गया। एक मिनट, और एक चीज बची है, और एक चीज बची है, इतना खुश मत हो जाओ, और एक चीज बची है, दैट इज स्केलेटल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये हुआ। अब और क्या बचा है, सेकंड के ऊपर ब्रोमीन आएगा, एक मिनट नंबरिंग में अलग से कर देता हूं फिर से, 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड के ऊपर, यहां पे ऊपर मैं लिख सकता हूं BR, करेक्ट है, ओके okay, और क्या आएगा नीचे या ऊपर, कहीं भी कर सकते हैं, तो यहां पे मैं कर सकता हूं वैसे, ये हो गया CH3, ठीक है। अब बाकी जगह पे क्या भर दूंगा मैं, कंप्लीट हो गया ना, कुछ भी नहीं बचा। हाँ बोलो, सॉरी कहीं भी डाल सकते हैं, वो पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता यार, ये सेम आए, अच्छा मतलब ऐसा है, बट अभी समझा ना तुमको, इसलिए समझ में आ रहा है कि तुम्हारी गलती क्या थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अभी सीखे हो उसको। तुम्हारी बुक में एक्सरसाइज है 12A, कैन आई सी योर बुक, 12A, कितने क्वेश्चन है, 12A पूरी होमवर्क है, टू बी सबमिटेड टुमारो, बिफोर टुमारो लेक्चर, सब कुछ, वी आर रेडी विद एवरीथिंग। देखा क्या है, प्रॉप वन इन, प्रॉप चार बना दिए, तीन बना दिए, वन इन एक के बाद, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, एक के बाद डबल बॉन्ड ले लो ले लो, यस एवरीथिंग इज होमवर्क, फुल होमवर्क,
हो तो जाएगा, मतलब होना ही है यार, अब बोल रहे हो तो जाएगा, नहीं होना ही है, करना ही है वो, देर इज नो सेकेंड थॉट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अब आगे जितने भी पार्ट है ना बहुत छोटे हैं, कल भी 2:30। जो जो मैंने बताया ना सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे हार्ड होगा? नहीं, अल्केन्स में कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब सिर्फ उसकी होमोलोगस सीरीज है जो हमने पढ़ ली है, उसका आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया है, मीथेन ईथेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमें पढ़नी है, और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़ना है। यस ऑफ कोर्स, कल भी है, संडे भी है। नहीं, बोल दो बोल दो, नहीं ये इससे बहुत कुछ समझ में आता है। नाइस नहीं, नाइस मत बोलो, बोल दो। कल कल क्या है डे? फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये वेडनेसडे तक रेगुलर होगा, उसके बाद फिर तुम्हारी मैं टेस्ट लेने वाला हूँ रोज। 2:30 होगा अभी, रोज रेगुलर रेगुलर खत्म कर लो अभी। अब मैं जो टाइमिंग दूंगा उस टाइम पे तुम्हें आ जाना है, बस और कुछ भी नहीं, और मेरे आजू बाजू में। यस मतलब क्या, बोल दो बोलो। नहीं 1 मिनट, क्या चाहिए तुमको?